नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, एक बार फिर से मैं गीता हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्रिया पढ़ने वाले हैं, क्रिया काम वाले शब्द। ठीक है, तो काम वाले शब्द पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। सुनना चाहेंगे मेरी कहानी? और इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ये कहानी है हमारे एक दर्जी की और एक हाथी की। ठीक है, दर्जी कपड़े सिलता है। क्या करता है? कपड़े सिलता रहता है। एक दिन दर्जी की दुकान पर हाथी आया। कौन आया बच्चों? हाथी आया। दर्जी ने हाथी को एक केला दिया। हाथी बहुत खुश हो गया। अब क्या, हाथी रोजाना दर्जी की दुकान पर आने लगा और हाथी और दर्जी दोनों अच्छे दोस्त बन गए। क्या बन गए? दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे। अब क्या, एक दिन दर्जी के पास बहुत काम था। दर्जी कपड़े सिलता जा रहा था, लेकिन उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही हाथी रोजाना की तरह उसकी दुकान पर आया, तो हाथी को पहले से ही पता नहीं था कि हमारा दर्जी जो है वो बहुत गुस्से में है। और दर्जी गुस्से से भरा हुआ था और उसने अपना गुस्सा निकाल दिया अपने उस दोस्त पर। किस पर बताइए? हाँ, बेचारे हाथी पर। तो क्या हुआ कि हमारे दर्जी ने एक सुई ली और हाथी की सूंड में चुभो दी और हाथी दर्द के मारे चिंगाड़ने लगा। ओ ओ, बहुत जोर जोर से आवाजें करने लगा क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। अब पास ही एक तालाब था। हाथी हमारा वहां तालाब में गया और उसने अपनी सूंड में तालाब में से बहुत सारा कीचड़ भर लिया। तो बच्चों, अब इस कीचड़ का वो क्या करने वाला है? ये कीचड़ हाथी लेकर आया धीरे धीरे अपनी सूंड में भर के, कहां पर? दर्जे की दुकान पर आ गया और सारा कीचड़ उसने दर्जे की दुकान पर फेंक दिया और सारी दुकान को उसने कीचड़ से गंदा कर दिया। तो बच्चों, ये ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि दर्जी ने उसके साथ गलत किया और दर्जी को उसकी गलती की सजा मिल गई। तो बच्चों, एक बात बताइए कि हमने इस कहानी में बहुत सारे काम वाले शब्दों का प्रयोग किया। किया ना काम वाले शब्दों का? बहुत सारे काम यहाँ पर हमने किए थे, हमारे दर्जी ने और हमारे हाथी ने। ठीक है, तो वो कौन कौन से काम थे देखिए। तो पहला सिलता था, झांकने लगा। सिलता था, झांकने लगा। कौन सिलता था? दर्जी सिलता था। झांकने कौन लगा? हाथी झांकने लगा। ठीक है, अगला है खिलाया आने लगा। खिलाया आने लगा। फिर देखिए कौन से काम वाले शब्द हैं यहाँ। गुस्सा आ रहा था, आया। अगला है चुभो दी, चिंगाड़ने लगा। क्या चुभो दी थी? सुई चुभो दी थी, है ना। हमारे दर्जी ने हाथी को सुई चुभो दी थी क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से के मारे हाथी चिंगाड़ने लगा था। फिर देखिए भर कर लाया, फेंक दिया। क्या भर कर लाया हाथी अपनी सूंड में? कीचड़ भर कर लाया था। और कहाँ फेंक दिया था? दर्जी की दुकान पर। तो बच्चों, ये बहुत सारे काम थे जो हमारे दर्जी ने और हमारे हाथी ने किए थे। ठीक है, और ऐसे और भी बहुत सारे काम होते हैं जो दिन प्रतिदिन आप करते हैं। करते हैं? हाँ जी, आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करते हैं। तो जानते हैं कि आप कौन कौन से काम करते हैं? ठीक है, तो जानते हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम दिन प्रतिदिन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ काम। खाना, यह एक काम है। पीना, पढ़ना, पढ़ते हैं, यह भी एक काम है। सोना, रोना, रोते हैं कभी? हाँ, जब पापा जी डांटते हैं तो रोना आ जाता है ना, तो वो भी एक काम ही है। हंसना,
जब चीज लाने के लिए पैसे दे दिए तो हंसना आ जाता है, यह भी एक काम है। खेलना, शाम के समय खेलते हैं कभी? जी हाँ, तो वह भी एक काम ही है। सुनना, सुन पा रहे हैं अपनी मैम को? जी हाँ, तो यह भी एक काम है। उड़ना, पक्षी को उड़ते हुए देखा कभी? हाँ जी, तो ये भी एक काम है। दौड़ना, दौड़ लगाना अच्छा होता है ना हमारी सेहत के लिए, यह भी एक काम ही है बच्चों। तोड़ना, बैठना, बोलना और भी बहुत सारे काम है जो आप करते हैं, जिन्हें आप जानते भी नहीं है, लेकिन आज आपको सोचना है कि आप क्या क्या काम करते हैं। तो बच्चों देखते हैं, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। समझ में आया कुछ? हाँ जी, जिन शब्दों से, अभी हमने ये शब्द प्रयोग में लिए और इन शब्दों से क्या पता चला? किसी काम के करने या होने का पता चला। जैसे खाना शब्द से पता चला कि आप कुछ खा रहे हैं, पीना शब्द से पता चला कि आप कुछ पी रहे हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया। क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो आया समझ में? काम करने वाले जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। बच्चों क्रिया जो हम करते हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो क्रियाएं खुद ब खुद हो जाती हैं, जानते हैं? देखिए, सुरेखा खेल रही है। सुरेखा यहाँ क्या काम कर रही है? खेलने का। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर है प्रतीक पढ़ रहा है। प्रतीक का क्या काम हो रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है प्रतीक? जी हाँ, पढ़ रहा है। फिर है मोर नाच रहा है। मोर क्या काम कर रहा है? नाच रहा है। बिल्कुल सही। अंजन खाना खा रहा है। अंजन का क्या काम हो रहा है? हाँ जी, क्या काम कर रहा है? वो खा रहा है। ठीक है, फिर है सोनिका विद्यालय जा रही है। सोनिका क्या काम कर रही है? जाने का काम कर रही है। कहाँ जा रही है? विद्यालय जा रही है। फिर है आसमान में चांद निकला है। अब देखिए यहाँ पर सुरेखा, प्रतीक, मोर, अंजन, सोनिका, ये तो सभी काम को कर रहे हैं ना, यहाँ पर काम करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ काम खुद ब खुद हो रहा है, यहाँ काम कोई नहीं कर रहा है। आसमान में चांद निकला है, ठीक है, तो यहाँ काम कोई नहीं कर रहा है, यहाँ काम अपने आप हो रहा है, स्वयं हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये जितने भी शब्द थे हमारे, खेल, पढ़, नाच, खा, जा, निकला, ये सारे शब्द कौन से शब्द हैं? काम वाले शब्द। और काम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। और अगर ये क्रिया हमारे वाक्य में ना हो तो क्या हमारा वाक्य पूरा होगा? उसका मतलब समझ में आएगा आपको? नहीं आएगा। जैसे हम कहें सुरेखा खालिस्तान रही है, तो क्या कर रही है सुरेखा? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा कि वो खेल रही है, पढ़ रही है, हंस रही है, गा रही है, नहीं समझ में आएगा ना। ठीक है, तो अभी आपको आया समझ में कि हमारी क्रिया का, हमारे काम वाले शब्द का कितना जरूरी है वाक्य में होना। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये जो अध्याय है, बहुत आसान अध्याय है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको इससे संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज आप बहुत सारे क्रिया शब्द जो है वो अपनी मम्मी से पूछेंगे, है ना, क्योंकि आपकी मम्मी भी बहुत सारे काम करती है ना घर पर, तो आप उनसे पूछेंगे और आप अपनी मम्मा को अपने काम वाले शब्द यानी कि जो काम आप करते हैं वो बताएंगे। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद बच्चों।